दोस्तों, आप में से अक्सर बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि आप नए रोलर्स डलवा लेते हैं और फिर भी आपके जो स्कूटर में है वो वाइब्रेशन की प्रॉब्लम वैसे की वैसी रहती है, और कभी कभार तो वो वाइब्रेशन की प्रॉब्लम नए रोलर्स डालने के बाद और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। अब दोस्तों, जब भी आप नए रोलर्स डलवाएं तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि जो रोलर का वेट है और उसका साइज है वो हमेशा मैटर करता है। आप जैसे कि मेरे पास माइस्ट्रो एज है, तो आप माइस्ट्रो एज में जो है माइस्ट्रो के रोलर नहीं डाल सकते हैं, एक्टिवा 125 के रोलर भी नहीं डाल सकते हैं। एक्टिवा 110 cc के आप रोलर माइस्ट्रो एज में यूज कर सकते हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से रोलर आपको यूज़ करने हैं? तो देखिए, सबसे पहले जब भी आप, ये आपका वेरिएटर की असेंबली है, तो वेरिएटर में ये चीज़ देखिए कि ये रोलर देख सकते हैं इस सरफेस से कितना ज़्यादा बाहर आ गया है। तो जब भी आप इस पर प्लेट बैठाएंगे, प्लेट बैठाने की कोशिश करेंगे, तो वो प्लेट क्या होगी, अच्छी प्रकार से इस पर बैठ नहीं पाएगी। तो जिस कारण से क्या होगा कि वाइब्रेशन जो है वो और इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी पुली है वो अच्छे प्रकार से एक्सपेंड अब बाहर की ओर मूव नहीं कर पाएगी, एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट जो है अच्छी प्रकार से नहीं हो पाएगी, जिस कारण से क्या होगी, स्कूटी वाइब्रेट करेगी और इनिशियल एक्सेलरेशन में तो और ज़्यादा वाइब्रेशन आएगा, और बाकी जब आप ज़्यादा एक्सेलरेटर देंगे तो वाइब्रेशन थोड़ा कम फील होगा। तो इसलिए जब भी आप रोलर परचेज़ करें तो मेक श्योर करें कि ये रोलर जो है वेरिएटर के अंदर अच्छे प्रकार से बैठ जाएं, और जो प्लेट है वो प्रॉपरली बैठ जाए। ऐसा ना हो कि प्लेट थोड़ा सा ऊपर रह रही है, थोड़ा सा ऊपर भी रहेगी जब, तो फिर भी वाइब्रेशन रहेगा। तो इसलिए आपको मेक श्योर करना है कि आपकी जो प्लेट है, रैम प्लेट है, वो प्रॉपरली सीट होनी चाहिए, जिस कारण से आपकी वाइब्रेशन की प्रॉब्लम है कम्प्लीटली वैनिश हो जाएगी। तो यदि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिलता है तो ज़रूर से आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और हमारे इस छोटे से चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।